देखिए हम रैन बसेरा के पास पहुंच चुके हैं और लोग देखिए यहाँ पर रैन बसेरा है ये, और यहाँ पर लोग बाहर सोए हुए हैं। ये लोग बाहर सोए हैं, अंदर का मैं पहले नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि अंदर क्या है। कोई है जी? लेकिन भाई बिंदास होके सोए हुए हैं। इतना मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी भाई के कानों में आवाज़ नहीं पहुँच रही है। हेलो, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। स्टाफ है ना आप यहाँ के? ऐसे क्यों सोए हुए हैं? नींद आ गई थी क्या? हैं, इतना कैसे एकदम बेधड़क सोए हुए? ऐसे कौन सोता है जी? दिन में नहीं सोए थे क्या? दिन में सोते हैं सर, दिन में ड्यूटी ना है। दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं? अपना काम सर है, अपना काम तो करना पड़ेगा ना सर। आपको यहाँ ड्यूटी जो करते हैं इसकी तनख्वाह तो मिलती है ना आपको नगर निगम की तरफ से? किस चीज़ की तनख्वाह मिलती है आपको सोने के लिए, ये काम करने के लिए? ऐसे ही बिछा के सो जाइएगा? क्यों ऐसे क्यों सोना है आपको? रहने के लिए जगह नहीं है आपके पास? जगह नहीं है रहने के लिए? कहाँ जगह जो है यही है रैन बसेरा जो है ये। अब इसमें आधार कार्ड है, हुई है वो। तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ नहीं है मेरे पास, गांव में छोड़े हुए हैं। गांव से मंगा तो सकते हैं ना आधार कार्ड, तो लेकिन लोग साथ में चलता है ना जी। आप सोचिए यहाँ पर किसी का कोई सामान लेके भाग जाए, कोई कुछ हो जाए तो क्या होगा? हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर के सामने ताला क्या, बेईमान के सामने केवाला क्या, वो भी हो सकता है। भाई साहब जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर सोए हुए थे, और बगल में ही रैन बसेरा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि रैन बसेरा में जगह खाली है या नहीं है, क्या लोग जो लोग सड़कों पर सोए हुए हैं क्या अंदर वे लोग सो सकते हैं या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं वीरचंद पटेल रोड पर, और ये आर ब्लॉक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चाणक्य होटल है, ये कौटिल्य होटल है, पीछे भी आपको बड़ी बड़ी होटलें मिलेंगी। लेकिन ये जो सड़क है वीरचंद पटेल रोड, यहाँ पर आपको कई बड़े बड़ी जो पार्टियाँ हैं बिहार की या स्टेट लेवल की, तमाम पार्टियों की जो है ऑफिस मिलेगा आपको, तमाम पार्टी का। आरजेडी है यहाँ पर, जेडीयू है, बीजेपी है, तमाम पार्टी के कार्यालय है। पीछे रैन बसेरा भी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग गरीबों का वोट लेकर के अपना आवास बना रखे हैं, अपना ऑफिस बना रखे हैं, कार्यालय बना रखे हैं, वो गरीब सोते कहाँ हैं आखिर? ये देखिए आप, ये लोग देखिए कि कहाँ पर सो रहे हैं, ये सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, और दिसंबर के महीने में इस तरह से खुले में सोना कहाँ तक उचित लग रहा है, आप सोच सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी ये कैसे जी रहे हैं अपनी। देखिए कुछ भाई हैं, सुनिए जरा, सुनिए, क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश कहाँ से हैं आप? ऐसे तो हमारा घर है महुआ। महुआ मुकेश घर है, आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? यहाँ पर रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में काम करते हैं? कहाँ सोते, कहाँ जा रहे हैं अब आप? ऐसे बिछा के सो जाइएगा? क्यों ऐसे क्यों सोना है आपको? रहने के लिए जगह नहीं है आपके पास? नहीं। जगह नहीं है रहने के लिए? कहाँ जगह जो है यही है रैन बसेरा जो है ये। अब इसमें आधार कार्ड है, हुई है वो। तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ नहीं है मेरे पास, गांव में छोड़े हुए हैं। गांव से मंगा तो सकते हैं ना आधार कार्ड, तो लेकिन लोग साथ में चलता है ना जी। तब ऐसे मालिक मेरे पास प्रूफ है। हाँ आईडी है मेरे पास। तो आप रैन बसेरा में नहीं सोते जाके? नहीं, हुआ नहीं जाके। तो ये कहाँ पे बिछाएंगे आप इसको? अभी मैं समझ रहा हूँ, ये कहाँ बिछाएंगे आप? हाँ पुल के पास बिछाएंगे आप, वहीं सो जाएंगे? ये ठंड इतनी बढ़ रही है, कैसे सोएंगे? हाँ क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते आप? मतलब क्या करें बताइए, मतलब होता है ना कि एक कमरा लेके रहना, किराए पर रहना, कई चीज़ें होती है। आप ऐसे 5,000-6,000 रुपये कमाने वाला क्या रेंट लेंगे? 5,000-6,000 कमाते हैं आप? हाँ तो क्या उसमें, मतलब घर पेट खाएंगे कि बाल बच्चा के देखेंगे कि उसमें रेंट भरेंगे? मतलब महंगाई लग रही है आपको? है महंगाई? हाँ, तब महंगाई से परेशान है आप? इसे सोचने का आदत बन गया है। तो ये रैन बसेरा तो आप ही गरीब लोगों के लिए बनाया गया है ना जी? हम लोग जो है बगैर आधार कार्ड के कैसे सोते हैं? अरे भाई आधार कार्ड लेके चलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। खैर देखिए किस तरह से ये लोग सोए हुए हैं, किस तरह से देखिए मच्छर काट रहा है, किस तरह से देखिए। ज़रा तस्वीर जूम करके दिखा दीजिए, ये चाचा को दिखाइए ज़रा, एक बालक भी सोया हुआ है। मुझे लग रहा है ये कहीं कोई काम के सिलसिले में या कुछ, इनका एक अलग तरह का जो काम होता है ना लोग सब उसी तरह का करते होंगे। देखिए मोबाइल चला रहे हैं। काजी मोबाइल वाइल चोरी का डर नहीं लगता है? मोबाइल वाइल चोरी हो जाएगा तब? ऐसे सोए हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे नाम क्या है बताइए ना। रोड पे सोए हुए हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा यहीं पे सोते हैं आप लोग? तो ये रैन बसेरा में कहाँ सोते हैं जी? रैन बसेरा है ये, कल से चल जाइएगा। ठंड नहीं लगती है यहाँ पे? लगता है ना ठंड?
कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से ही हैं? हाँ, कौन सा जिला? हाँ, चितकोरा रहते हैं। देखिए ये किस तरह से लोग जो हैं इस तरह से सर्द मौसम में सोने के लिए मजबूर हैं, वो मैं आपको दिखा रहा था इस वक्त। जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर सोए हुए थे और बगल में ही रैन बसेरा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि रैन बसेरा में जगह खाली है या नहीं है, क्या लोग जो लोग सड़कों पर सोए हुए हैं क्या अंदर वे लोग सो सकते हैं या नहीं। देखिए हम रैन बसेरा के पास पहुँच चुके हैं और लोग देखिए यहाँ पर रैन बसेरा है ये, और यहाँ पर लोग बाहर सोए हुए हैं। ये लोग बाहर सोए हैं, अंदर का मैं पहले नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि अंदर क्या है। कोई है जी? कोई नहीं है क्या? देखिए मुझे नहीं लग रहा है कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। देखिए अचानक से मैं पहुँच गया हूँ, स्टाफ है ये। कितनी बेसब्री से नींद में सोए हुए हैं। आप सोचिए यहाँ पर किसी का कोई सामान लेके भाग जाए, कोई कुछ हो जाए तो क्या होगा। हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर के सामने ताला क्या, बेईमान के सामने केवाला क्या, वो भी हो सकता है। भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत से सोए हुए हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से जा रहा है, कौन किसका बैगवा लेके भाग रहा है, कौन किसका क्या लेके भाग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई बिंदास होके सोए हुए हैं। इतना मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी भाई के कानों में आवाज़ नहीं पहुँच रही है। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इनको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनको। सुन रहे हैं मेरी बात भैया? क्या नाम है आपका? हाँ, सॉरी, रोहित पासवान जी। ऐसे कैसे सोए हुए हैं आप एकदम बिंदास होकर के? स्टाफ है ना आप यहाँ के? ऐसे क्यों सोए हुए हैं? नींद आ गई थी क्या? हाँ, इतना कैसे एकदम बेधड़क सोए हुए? ऐसे कौन सोता है जी? दिन में नहीं सोए थे क्या? दिन में सोते हैं सर, दिन में ड्यूटी ना है। दिन में भी ड्यूटी करते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं? अपना काम सर है, अपना काम तो करना पड़ेगा ना सर। आपको यहाँ ड्यूटी जो करते हैं इसकी तनख्वाह तो मिलती है ना आपको नगर निगम की तरफ से? किस चीज़ की तनख्वाह मिलती है आपको सोने के लिए, ये काम करने के लिए? जागने के लिए मिलते सर। लेकिन आप जागे हुए नहीं थे सर, तो नींद लग गया था, तो क्या करें। इतना भयानक नींद में कौन सोता है यार? बहुत भयानक नींद में सोए हुए थे आप, है ना? नहीं सर, उतना ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, जाग के रहा कीजिए, ऐसे नहीं रहा कीजिए, है ना? लग जाता है। अब बाकी देखिए बेड खाली है, 1 2 3 4 5 6 कई बेड खाली है जी? 4 5 6 खाली है। अच्छा एक बात बताइए, बेड खाली ही रहते हुए बाहर लोग सोए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इसके वजह सर सब आदमी आता है फोर व्हीलर से सामान बांटने के लिए, चार चक्का से खाना बांटता है, कम्बल बांटता है, पैसा देता है, इसके चलते सब बाहर में सोता है। नहीं तो बगल में देखिए, बगल में सारा खाली है, एक दो नहीं पूरा खाली है समुचा। लोग यहाँ पे आके सो सकते हैं? जेंट्स वाला और लेडीज वाला है। अच्छा इधर जेंट्स लेडीज वाला है? ये जेंट्स वाला है, वो लेडीज पूरा खाली है, देख लीजिए। देखिए ये लेडीज वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लेडीज का है, लेडीज़ के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ये देखिए कितना बढ़िया कंबल है, कंबल मिलेगा आपको। ये तकिया गद्दा है, ये तकिया है, ये उस पर ये है, तमाम चीज़ें हैं देखिए। और यहाँ का जो खूबसूरती है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, साफ़ सफाई जो है। ये देखिए आईना है, अगर आप कबाल उल ख़राब हो जाए, जैसे हम मेरा थोड़ा बाइक पर ख़राब हो गया है, तो आप इसमें आकर के ठीक ठाक कर सकते हैं। आराम से रहिए, रात में सोइए, सुबह जो भी काम है आप कीजिए, उसके बाद जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। ये लेडीज़ वाला है और पूरा ये खाली है, लेकिन खाली होने के बावजूद भी जो लोग बाहर सोए हुए थे वो मैं अब उनसे ज़रा बात कर लेता हूँ, आखिर बाहर क्या करते हैं आप लोग। क्या चाचा, नींद तोड़वा दिया आपका कहीं? हाँ, गलती तो नहीं कर दी? क्या नाम है आपका? हमारा सबका तो नाम है। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ। प्यार शरीफ, क्या काम से आए थे? आए थे बाबू कमाने के लिए। कमाने के लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, व्यवस्था है ना। चलिए बहुत शुक्रिया। लोग जो बाहर हैं उनसे जानेंगे। देखिए सो गए अब ये लोग। का जी सो गए? ए अम्मा बाहर का है सोए हैं? अम्मा अंदर कितना जगह खाली है? गरीब आदमी लोग सोए बाहर, कम्बल बल हो जाए, बाल बच्चा वही बता। अच्छा अच्छा, तो जरा उठिएगा अम्मा दो मिनट। हाँ मतलब क्या करें, मतलब कंबल उम्बल बांटता है उसी के इंतजार में रहते हैं ना। हाँ बेटा, हाँ गरीब आदमी है। देखिए अम्मा कितनी बुजुर्ग हैं। डंटा से चले वो। क्या बोले अम्मा? डंटा से चले। डंटा से चलते हैं, कोई बात नहीं, आप सोए रहिए, सोए रहिए अम्मा, सोए रहिए, ऐसे बात कर लेंगे हम। सोइए ना आप, सोइए ना, कोई बात ना, बच्चा भी बैठ के बात करेंगे।
कैसा लगता है माँ, इतना रात को आप लोग ठंड में सोते हैं, एक कंबल के इंतजार में ऐसे रहते हैं? ना बेचारा, लोग देते हैं आकर के कंबल? आधार कार्ड हम लोग के दे लिए बेटा। हाँ हाँ, सुते ना कोई बात ना। अच्छा अच्छा, बाबू सब बोले सुत रहा बेटा, बुढ़ी जन पर सब कर लो, उठ जाए वो बात है बेटा। अच्छा, लोग मदद करते हैं, अम्मा आते हैं कुछ देते हैं कंबल वगैरह सब मिल जाता है? अभी तो ना दिए हैं बेटा, अभी नहीं दिए हैं। अभी तो ना। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, बिहार शरीफ से हैं। आप भी बिहार शरीफ से हैं? देखिए डॉक्टर से चलते हैं। हाँ, हम समझ गए अम्मा, समझ गए, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। बिहार शरीफ से यहाँ आई हुई है कुछ तो बात है, हम समझ रहे हैं अम्मा, बहुत बढ़िया है। चलिए, क्या बात करें इनसे, देखिए ले मजबूरी, देखिए इनकी परेशानी क्या है। एक कंबल के इंतज़ार में ये लोग जो है रात गुजार रहे हैं, ताकि एक कंबल मिल जाए, ताकि घर के जो लोग हैं वो सुरक्षित ठंड के मौसम में रात गुजार सकें, रात में उनको आराम मिल सके इस ठुठरती रातों में। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं ये एक पीड़ा होती है जब ये चीज़ें देखते हैं हम आँखों से, किस तरह से लोग जो है परेशान हैं, परेशान हाल है, तमाम चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं जो है दिल में परेशानी होती है। कहाँ, क्या नाम है चाचा? अच्छा, अभी अंदर में सोते हैं? मेरा बगल में दुकान है, मुर्गा। अच्छा, मुर्गा बेचते हैं, मुर्गा वाले चाचा हैं ये। तो सोचिए, देखिए ये क्या चीज़ें हो रही है। बाकी आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।